नीरज गुर्जर की गिरफ्तारी को अवैध कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस सिंधी आंदोलन की चेतावनी। दो दिन पूर्व हुई थी गिरफ्तारी। जाजपुरा विधायक नीरज गुर्जर के भाई की दो दिन पूर्व हुई गिरफ्तारी के मामले में मंगलवार को कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई। विधायक गुर्जर के भाई व प्रधानपति नीरज गुर्जर की गिरफ्तारी को अवैध कार्रवाई बताते हुए भीलवाड़ा जिला कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली। जिला कांग्रेस कार्यालय में इस संबंध में हुई प्रेस वार्ता में विधायक गुर्जर ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का अवैध बताते हुए पुलिस पर देशतापुर कार्य का आरोप लगाया है। गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जिस मामले में प्रधानपति गुर्जर को फरार वारंटी बताया, उस मामले में 2 साल पहले नीरज गुर्जर बरी हो चुके थे। गुर्जर ने चेतावनी दी कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 14 सितंबर को अजमेर संभाग मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा और पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी मौजूद रहे।